subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और ये गाना जो है मेरे लिए तो ख़ास है ही, लेकिन एक इस गाने को पसंद करने वाले नौजवानों की तादाद भी बहुत है, और मुझे खुशी है कि ये यंगस्टर में बड़ा पॉपुलर हुआ है। और इस गाने की थीम हालांकि हमने 2 साल पहले सोची थी, और उसको बहुत खूबसूरती से पवन मुरादपुरी साहब ने बनाया है, जो इस गाने के कंपोज़र हैं, और देव नेगी साहब ने गाया है। ये बड़ी बात है मेरे लिए कि एक आज बड़ा नाम है उनका, और एक प्रोडक्शन हाउस जो जिसने रिलीज़ किया है, जी टीवी ने इसको प्रोड्यूस तो नहीं किया, लेकिन इसको रिलीज़ करने में उनका बड़ा बड़ा हाथ रहा है। और मुझे खुशी है कि आज इस तरह की शायरी और इस तरह की कंपोजिशन लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे आप शायरी लिखने बैठते हैं तो फिर क्या कुछ थॉट चलते रहता है दिमाग में, क्योंकि हर किसी का एक इंस्पिरेशन होता है या फिर एक थॉट के साथ में वो एक पोएट लिखता है, सो आपका क्या थॉट प्रोसेस होता है? थॉट प्रोसेस असल में मैं जो सुन रहे हैं यंगस्टर मुझे, मैं उन्हें भी ये बताना चाहता हूँ कि शायरी अगर आप सोच कर करते हैं तो वो शायरी नहीं है, और आप शायरी कर भी नहीं सकते। मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने अपने वालिद साहब से एक बात सुनी थी कि शायरी जो है वो आपको ऊपर से उतरती है आपके अंदर, वो सोचकर लिखा नहीं जाता। मैं जैसे मान लीजिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि आप कहीं खड़े हैं और एक हादसा होता है, कोई मोटरसाइकिल से गिरता है, आप उसको देखते हैं और आप उसे उसी वक्त आप अपने नोटबुक में या अपनी कॉपी में उतार लेते हैं, तो वो है जर्नलिज्म, वो शायरी नहीं है। शायरी तो वो है जो आपने हादसा देखा, आपके लाशऊर में वो चीज़ पकी, और उसके बाद हो सकता है वो 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आप उस हादसे को अपनी शेरी शक्ल में ढाल कर वो चीज़ बयान करते हैं, तो वो शायरी। शायरी ये नहीं कि आपने सोचा कि मैं इस तरह की बात लिख दूँ, कह दूँ और हो जाए, तो वो शायरी नहीं। जैसा आपने कहा कि ये एक हादसा होता है जो आप बात में बैठ के लिखते हैं, इस सॉन्ग के लिए ऐसा क्या हादसा था जी? इसमें कोई हादसा तो नहीं था, ये है कि शायर को जब आप ये कहें कि आपको किसी समंदर के किनारे जाना है, तो शायर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो समंदर के किनारे जाए, वो वहाँ बैठे बैठे समंदर को अपने पास बुला ले। ये शायर में खूबी होनी चाहिए। मुझे जिस तरह से सिचुएशन सुनाई गई थी, मैंने पूरी कोशिश की, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने उनकी जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की, और मुझे खुशी है कि मैं इस तरह का नगमा लिख सका। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी के दिली जज्बात, हाँ ये होता है कि आप जब अपनी उम्र से कम होकर आपको कोई चीज़ सोचनी है तो वहाँ तक आपको पहुँचना ज़रूरी है। मैं सिंगर तो नहीं हूँ इसके लिए आप मुझे जहमत ना दें, लेकिन मैं उसमें जो खूबसूरत लाइन मुझे ज़ाती तौर पर मतलब मैंने महसूस की, हालांकि सारी चीज़ें अच्छी ही हुई हैं, लेकिन जो मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है वो है लम्हा लम्हा मेरी ज़िंदगी धड़कनों में तेरी मौजूदगी। ये मुझे खूबसूरत लाइन लगती है, क्योंकि ज़िंदगी का काफिया जो है वो मौजूदगी के साथ, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। जी मैं असल में जी म्यूज़िक कंपनी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस गाने को पसंद किया, और मैं एज ए लिरिसिस्ट जो है किसी इंडस्ट्री में किसी को ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है मेरा। मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे जो पवन मुरादपुरी साहब हैं या देव नेगी साहब हैं, इन्होंने जब गा दिया तो मेरा काम वहाँ से फिर ख़त्म हो जाता है। मैं किसी पर्सनल अप्रोच से या मैं उस गाने को आगे बढ़ाऊँ वो एज ए लिरिसिस्ट मेरे लिए मुनासिब भी नहीं, और मैं इसीलिए ज़रूरी भी नहीं समझता। अच्छा, आपकी जो फादर थे जी बड़ी मतलब
जी, एंड उसके बाद में कहीं ना कहीं वो बैगेज आप पर आता है क्योंकि आप भी उनकी जनरेशन में, तो क्या कुछ बैगेज फील करते हो? क्योंकि अब जब इंडस्ट्री में उतर गए तो कहीं ना कहीं लोग आपको कनेक्ट करेंगे आपके फादर से, जी जी, तो कितना कुछ बैगेज है इसका? हाँ, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा, जो मेरी ज़िंदगी के हर कदम पे मेरे लिए एक बहुत बड़ी ढाल की तरह भी है। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके ऊपर एक अंदरूनी प्रेशर तो होता ही है, लेकिन बाहर का प्रेशर, जैसे दुनिया क्या बोलेगी, उस बिल्कुल उसी मुनासिबत से है जैसे आप किसी नंगी तलवार पे चल रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, आपने कुछ भी लिख दिया, बड़ी से बड़ी मिस्टेक कर दी, तो आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन हम जैसे लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, एक बड़े खानवादे से हमारा ताल्लुक़ है, तो हम लोगों को ये होता है कि अगर आपकी छोटी सी गलती होती है तो वो आपसे कुछ नहीं कहते हैं, जैसे अरे इनके फर्जंद ने या इनके बेटे ने इस तरह कर दिया काम। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत सोच समझ कर लिखना भी होता है, बहुत सोच समझ कर कहना भी होता है इसमें। और मुझे हमेशा से ये प्राउड फील रहा है कि मैंने लोगों ने मुझे मेरे फादर के साथ मुझे कनेक्ट करके रखा है। ये मेरे लिए बहुत एक समझिए कि ज़िंदगी की एक ऐसी राह पे चल रहा हूँ जहाँ मेरे लिए रोशनी ही रोशनी है। जी, अगर पहले की बात करेंगे तो पहले ऐसे कई सारे सॉन्ग्स बनते थे जो कि कोई उनसे रिलेटेड हो, पर अब बहुत ही कम हो गया, अब हार्डली कोई ऐसा कोई सॉन्ग क्रिएट करता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बदलते ज़माने के बारे में? हर दौर में इंडस्ट्री के मिजाज और उसका ट्रेंड जिसे कहते हैं वो बदलता रहा है। इसमें जब जिस तरह के लोग थे, जैसे साहिर साहब का ज़माना था जब वो नगमा निगारी कर रहे थे, तो उस तरह की शायरी समझने वाले भी लोग थे, उस तरह के अशार, उस तरह के लफ्ज़। हालांकि म्यूज़िक डायरेक्टर ख़ुद भी चाहता था कि वो अच्छे से अच्छा लोगों के सामने पेश करें। आज का वक्त लेकिन इसमें हम किसी को कसूरवार नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड होता है, जिस तरह की डिमांड होती है, जिस तरह के हालात होते हैं, उस तरह के गाने बनते हैं। शायरी की कमी तो महसूस हो रही है, क्योंकि इसमें हमेशा हर दौर में जब मेरे ख़्याल में 70 की दहाई के बाद जो वक्त बदला है, तो उसमें म्यूज़िक जो है वो वर्ड के ऊपर रहा है हमेशा, क्योंकि लोगों को संगीत से दिलचस्पी और उसके साथ में जो अच्छे लफ्ज़ हैं वो हमेशा पसंद आते हैं। आज का वक्त बदला है, आज की जनरेशन जो है वो हमारी वो अंग्रेज़ी भी समझती है, वो आज बाकी लफ्ज़ों को मिलाकर भी शेर कह रहे हैं लोग। जो भी है, कुल मिलाकर यही है कि जैसे वक्त बदलता है वैसा ढलना पड़ता है। जी, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप अभी आपने तो इंडस्ट्री में कदम रखा है, जी, तो क्या कहना चाहेंगे, किसके किसके गाना पसंद करेंगे आप, किसके लिखना पसंद करेंगे? मैं असल में बहुत ही ईमानदारी से अगर कहूँ तो मैं यहाँ इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ, मैं इंडस्ट्री को एक अच्छा, मेरा जो भी कंट्रीब्यूशन हो वो लोग उसे पसंद करें और अच्छे काम के नाम से मुझे जाने जाए, बस यही मेरी ख्वाहिश है। बाकी मुझे बहुत बड़ा लिरिसिस्ट बनना है या मैं इसलिए आया हूँ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो लिटरेचर से है, और मुझे फ़िल्म के लिए अगर मैं कहूँ तो मैं प्रेफरेंस पहले अपने लिटरेचर को देता हूँ, उसके बाद मेरे लिए फिल्म आती हैं। बात करें तो आपके अभी दो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे? तो कई एक प्रोजेक्ट अभी काम कर रहा हूँ, दो ही नहीं है, इसमें दो चार फिल्में भी हैं ऐसी। और मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि मैं एक अवधि फिल्म कर रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत मेरी, क्योंकि मेरी मादरी जबान भी वहाँ की है, और मैं उसमें मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि मैं सिर्फ इस ये नहीं चाहता हूँ कि बहुत बड़ी फिल्में ही हों तो करूँ, लेकिन मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए, जैसे अवधि फिल्म का एक बहुत अच्छा मतलब उसकी कहानी बहुत अच्छी थी और मुझे काफ़ी इमोशनली वो अटैच हो गई मुझसे आकर, तो उस फिल्म के लिए मैंने अभी चार गाने लिखे हैं और आने वाले वक्तों में वो अप्रैल या मार्च अप्रैल में वो रिलीज़ हो रही है फिल्म, और उसके अलावा भी मैंने कई अभी गाने रिलीज़ हो रहे हैं, कई फिल्में फ्लोर पर हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बहुत ही कम पैमाने पर क्या फिल्मों में या फिर बाकी की जैसे कि नेशनल टेलीविजन पर बहुत ही कम दिखाया जाता है, जैसे कि पोएट हो गया या सारी चीज़ें? नहीं, मैं समझा नहीं। मतलब कि अगर बात करें अगर पोएट की, तो फिर हम देखते हैं कि बहुत ही कम इस चीज़ का प्रमोशन होता है, जैसे कि आजकल बहुत ही कम फिल्मों में भी ये होते हैं शायरी एंड फिर पोएम एंड ऑल, तो उसके बारे में?
फिल्मों में तो यूज़ हो रहे हैं ना, फिल्मों में कहाँ नहीं यूज़ हो रहे हैं, पोइट्री तो हर जगह यूज़ हो रही है। पोइट्री का शायरी के बगैर तो आज कोई चीज़ है ही नहीं, मुकम्मल ही नहीं होती है। आप संगीत बनाएं या कहीं आपको आप टीवी सीरियल देख लें, उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन पे वो गाना भी डाल देते हैं उस चीज़ को और ब्यूटीफाई करने के लिए। तो शायरी तो हर जगह यूज़ हो रही है। जी मैं देखता हूँ, मुझे रियलिटी शो में ख़ास तौर पर वो रियलिटी शो पसंद है जहाँ पर बच्चों की तरबियत होती है, बच्चों के लिए उन्हें इनक्रेज किया जाता है। उन्हें जैसे संगीत के प्रोग्राम आते हैं कुछ जिसमें गाना है सुनाते हैं बच्चे, मुझे वो देखना अच्छा लगता है वक्त के हिसाब से, क्योंकि वो बच्चों के अंदर जो मैं हैरान भी होता हूँ बच्चों को देख कर कि वो जिस कदर टैलेंट से भरे हुए हैं। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो खुदादाद सलाहियत है जिनमें कि वो गाना भी गाते हैं और उन्हें सुर का भी बहुत अच्छे से ज्ञान है, और मुझे वही बस एक टीवी पे रियलिटी शो देखना अच्छा लगता है। अच्छा, आपका क्या है प्रमोशन का इरादा कि इस बार बिग बॉस चल रहा है रियलिटी शो, जी उस पे जाके कुछ प्रमोशन करना है? नहीं, मैं बिग बॉस तो देखता नहीं हूँ, क्योंकि देखता नहीं हूँ इसलिए नहीं कि मुझे पसंद नहीं है या वक्त बहुत कम मिलता है असल में, थोड़ा सा क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक के आप घर की जिम्मेदारियों के साथ में बहुत अटैच हों अगर तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो मैं बच्चों का प्रोग्राम तो मैंने आपको कहा कि मैं वो शौक से देख लेता हूँ। मैं तो उनका शुक्रिया अदा करूँगा जिस तरह आप लोग मुझे सराह रहे हैं, पसंद किया आपने। मैं क्योंकि हम तो कुछ है नहीं, जब तक आप लोगों ने पसंद नहीं किया तब तक तो ये समझिए कि आर्टिस्ट को आर्टिस्ट ना समझा ही नहीं जाता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोग पसंद आप लोगों ने किया, और आने वाले वक्तों में भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने कलम से आप लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचा सकूँ। शुक्रिया। शेर, मैं एक मतला एक शेर आप लोगों को सुना देता हूँ। अर्ज़ किया है कि मायूस क्यों हो अज़्मे सफ़र मुझसे मांग लो, मायूस क्यों हो अज़्मे सफ़र मुझसे मांग लो, उड़ने की आरज़ू है तो पर मुझसे मांग लो। लाओ कहीं से ढूंढ के चेहरा हयात का, हयात यानी ज़िंदगी, लाओ कहीं से ढूंढ के चेहरा हयात का, चेहरा कहीं मिले तो नज़र मुझसे मांग लो। मायूस क्यों हो अज़्मे सफ़र मुझसे मांग लो, उड़ने की आरज़ू है तो पर मुझसे मांग लो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।